पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में डिप्टीगंज स्थित स्टूडेंट लाइफ इंस्टीट्यूट में एक बजट परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। संचालन कर रहे जिला संयोजक कपिल नारंग ने कार्यक्रम की प्रस्तावना देते हुए बताया कि बजट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ बटुआ पर्स होता है और 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया है। मुख्य वक्ता CA गौरव गुप्ता ने प्रत्यक्ष कारों में हुए बदलावों के बारे में बताया हुए कहा कि टैक्स सब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित महानगर संयोजक प्रशांत शर्मा ने शिक्षक पद बजट का मूल्यांकन करते हुए बताया कि बजट में शोध और अनुसाधन के लिए पर्याप्त राशि दी गई है। इस अवसर पर विभिन्न संयोजक लव सारस्वत, कविता गुप्ता, धवल दीक्षित, दिशान चौधरी, राजीव, अंजू त्रिपाठी, सुषमा सरन आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रशांत शर्मा, मैं स्वदेशी जागरण मंच का महानगर संयोजक हूं। आज हमने ये डिप्टीगंज स्थित स्टूडेंट राइड स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में एक बजट परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न वक्ता विभिन्न क्षेत्रों से बुलाए गए हैं, जिसमें टैक्सेशन से के बारे में बताने के लिए CA गौरव गुप्ता, इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए भसीन साहब, डॉक्टर राजीव कुमार, प्रशांत शर्मा और अन्य लोग उपस्थित हुए हैं। ज़्यादातर अधिकतर वक्ताओं का मत है कि बजट अच्छा है, मध्यम वर्ग को राहत देने वाला है, किसानों के लिए भी कुछ है, लेकिन वो अपर्याप्त है। सरकार को और उसके लिए कदम उठाने चाहिए।